फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग में। और आज की इस वीडियो में गाइस आज है आज की वीडियो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक पर नहीं होने वाला है। और गाइस कल थी दीपावली और आज होने वाली थी गोवर्धन पूजा, बट आज ग्रहण के वजह से आपको एक दिन मिस करना पड़ेगा। जो गोवर्धन पूजा हो रही है उसको आज एक दिन मिस होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ मैं अपने गार्डन के लिए कुछ टिप देने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर से गौर करिएगा। और गाइस साथ में गाइस आज ग्रहण पड़ने वाला है, तो आप अपने प्लांट्स को किस तरीके से बुरे इफ़ेक्ट से बचाना है, तो उसी वजह से आपको कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। और गाइस चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आज है सूर्य ग्रहण, जो कि वैसे अगर आज दीपावली के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा होती है आज, लेकिन आज ग्रहण के वजह से इस दिन को मिस कर रहे हैं। और गार्डनिंग में जो सूर्य ग्रहण होता है उसका कुछ बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ता है, जो बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो एक्चुअली सभी चीज़ पे मैटर करता है, जैसे कि घर में सॉरी खेतों में फसल हो गई और हम लोग भी हो गए, जो इंसान वगैरह मतलब कि जो भी कुछ होता है तो सभी पे बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो मैं अपने गार्डनिंग के लिए कुछ टिप देना चाहता हूँ जो कि मुझे घर से मिली थी। तो गाइस आप अपने गार्डन में कुछ अपने प्लांट्स का बुरा इफ़ेक्ट की वजह से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है। गाइस जो मैं आपको बता दूँ, जो गणेश चतुर्थी रहती है, ठीक है, गणेश चतुर्थी के जस्ट बाद जो हमारे गांव साइड तो बड़े बूढ़े बोलते हैं, जो कि 16 सरादें लगती हैं 16 दिनों के लिए 16 सरादें लगती हैं, जो कि अपने बुज़ुर्ग लोग शांत हो गए हैं पहले, उनको 16 दिन तक पूजा जाता है घर में, ठीक है। उनको लाते किस तरीके से, जैसे नदी वगैरह हो गई किसी चीज़ में नहाने जाते हैं और उसको डाब बोलते हैं, ठीक है। एक वो रहती है स्टिक टाइप की, जो कि डाब बोलते हैं उसको बनी हुई रहती है। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो शांत हो गए गुजर गए, उनको 16 दिनों तक पूजा जाता है। उनको जब वो स्टिक से उनको पूजा जाता है, रख के उनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो वो स्टिक है ना उसको आपको खोल के, जो चारे की बनाई जाती है वो पता नहीं क्या रहती है, मुझे नहीं पता, वो है ना स्टिक को खोल के आप उस स्टिक को अपने गार्डन में रख दें, ठीक है। जैसे कि मेरा गार्डन है ना, जो उसको आप रख दें, ठीक है। उसको रखने के बाद आपको उसको रख दे, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ, दूसरा तरीका है जो राई होती है ना, राई जिसको सरसों बोलते हैं, सरसों के दाने भी आप अपने गार्डन में डाल सकते हो। दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका मैं बताऊँ, मोस्टली अपने गार्डन में होती है तुलसी, ठीक है। तुलसी के पत्तों को तोड़ के आपको पानी में डालना, और पानी को क्या आपने पानी में डाल के तुलसी के पत्ते, और अपने जो तुलसी के पत्ते में पानी डालने के बाद आपको उस पानी को अपने प्लांट्स में सभी में देना है, ठीक है। देने के बाद आपको इतना अपने गार्डन में यूज करना है, ताकि अपना जो बुरा इफ़ेक्ट है वो कुछ भी खतरा होता है वगैरह वगैरह जो भी अपना टल जाता है। मान लो अभी अच्छा अपने गार्डन चल रहा है, अगर इसके बाद कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है अपना करने में क्या जा रहा, तो आपको ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने सोचा आपको टिप्स दे दूँ। मुझे ये टिप्स अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से मिली थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करा। अगर आपको ये छोटी सी टिप्स, अगर आपको जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय ऑन हैप्पी गार्डनिंग।